हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक LIC के न्यू प्लान के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी LIC में पैसा जमा करने में इंटरेस्ट रखते हो तो फ्रेंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ समझाने वाला हूं अपने वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर LIC से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड सारा वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को अपने वीडियो पर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है LIC जीवन आजाद प्लान। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर जैसे लिखा हुआ है LIC जीवन आजाद प्लान, तो ये दोस्तों प्लान का नाम है। उसके नीचे दोस्तों मैं लेकर चलता हूं, तो आप लोग जैसे कि यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है ऑन द 19th January 2023 द LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान, मतलब न्यू प्रोग्राम कॉल्ड LIC जीवन आनंद। मतलब दोस्तों ये देख सकते हो, ये बोला जा सकता है कि नया ही प्लान है, मतलब 19 जनवरी 2023 को ही ये प्लान आया हुआ है LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से। ये प्लान का दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि नाम है LIC जीवन आजाद प्लान। उसके अलावा दिस प्लान इज इंटेंडेड टू प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट इफ द पॉलिसी होल्डर पास अवे, द प्लान विल बी प्रोवाइड दैट बेनिफिट। ऑन द अदर हैंड द पॉलिसी होल्डर रिसीव द मैच्योरिटी बेनिफिट इफ दे लाइफ। मतलब दोस्तों देखिए, ये जो LIC का प्लान है, जैसे कि आप LIC के हर एक प्लान में जानते हो कि आप लोगों को LIC पे डेथ बेनिफिट बहुत अधिक ज्यादा मिलता है। मतलब दोस्तों भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। अगर मान लो दोस्तों, अगर आप लोग मतलब मैच्योरिटी डेट तक आप लोगों का कोई भी मतलब ऐसा भगवान ना करे हो डेथ वगैरह, तो आप लोगों को मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलेगा ही। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर अगले पेज पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, तो यहां पर फ्रेंड देख सकते हो लिखा हुआ बेनिफिट ऑफ LIC जीवन आनंद, सॉरी आनंद आजाद, LIC ऑफ जीवन आनंद। तो फ्रेंड आइए दिखाता हूं मैं क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो मैच्योरिटी बेनिफिट है, इसके बारे में मैं दोस्तों आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो एक टैक्स बेनिफिट भी है। दोस्तों देखिए, आप लोग ITR वगैरह फाइल तो करते होंगे हर एक साल, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो तो फ्रेंड देखिए, अगर आप LIC वगैरह में कुछ पैसा को जमा करते हो तो आप लोगों का टैक्स बच सकता है, ये भी इसमें मतलब फायदा आप लोगों को मिलने वाला। उसके अलावा दोस्तों डेथ बेनिफिट है। तो दोस्तों ये जो दो बेनिफिट है, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट, इसको मैं आप लोगों को आगे चल के बहुत अच्छा से समझाने वाला हूं, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो पे। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि एक ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट का मतलब ये होता है दोस्तों, भगवान ना करे अगर मान लो किसी का डेथ हो जाता, तो अगर उसके नॉमिनी, जिनके नॉमिनी को मतलब जो प्लान लिए थे अपने नॉमिनी को ऐड करके रखते हैं प्लान में, तो उन लोग अगर चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी डेथ बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो सरेंडर ऑफ पॉलिसी है। तो सरेंडर ऑफ पॉलिसी का मतलब ये होता है दोस्तों, इन फ्यूचर मान लो अगर आप लोगों का स्थिति वगैरह खराब हो गया, अगर ये प्लान को आप क्लोज करना चाहते हो, ठीक है, तो मिनिमम आप लोगों को दोस्तों 2 साल तक प्लान चलाना होगा, उसके बाद ही आप क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा फैसिलिटी ऑफ लोन, तो यहां पर दोस्तों ये खास बात है, देखिए अगर आप LIC में इसमें पैसा वगैरह जमा कर रहे हो, अगर मान लो इन फ्यूचर आप लोगों को लोन का जरूरत होगा कोई काम करने के लिए, कोई भी पर्पस के लिए, तो आप लोगों को 80% से लेकर 90% तक दोस्तों लोन मिल जाएगा इसके मतलब ये प्लान में। तो आइए दोस्तों आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कितना कितना क्या लगने वाला है आप लोगों का सारा कुछ। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे एक और फैसिलिटी है फ्री लॉक पीरियड का। तो फ्री लॉक पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो दोस्तों अगर आप ये प्लान को खरीदे हुए, मतलब जो ये प्लान में पैसा शुरुआत करना स्टार्ट की हो, ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों LIC जीवन आजाद प्लान, ठीक है। तो फ्रेंड मान लो अगर आप लोग एक सप्ताह पैसा मतलब एक सप्ताह प्लान का शुरुआत ही हुआ, ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये प्लान मेरे लिए बढ़िया नहीं है, आप ये प्लान के साथ सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप 15 दिन के अंदर क्लोज भी कर सकते हो ये प्लान को, आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे ग्रेस पीरियड है। तो फ्रेंड ग्रेस पीरियड का मतलब आप लोगों को समझना होगा क्या होता है। फ्रेंड ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है
जैसे कि मैं दोस्तों एक ईएमआई का एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो दोस्तों आप लोग एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 1 जनवरी को हर एक साल आप अपना ईएमआई को जमा करते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो 1 जनवरी को आप मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आपने मतलब ईएमआई को जमा नहीं कर पाते हो तो आप लोगों से फाइन वगैरह जोड़ जाड़ के लिया जाता है। लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड 30 दिन का दिया जाएगा आप लोगों से, 15 दिन से लेकर 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। इस पीरियड के दौरान अगर आप पैसा को जमा कर देते हो तो आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोस्तों, कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं कटेगा। मतलब समझिए, मान लीजिए दोस्तों LIC का आप लोगों का प्रीमियम डेट है महीना के 1 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख को आपके पास पैसा नहीं, आप पैसा जमा करने में चूक गए हो, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 15 दिन से लेकर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पीरियड के दौरान अगर आप पैसा को जमा कर दोगे तो आप लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर LIC जीवन आजाद, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आइए दोस्तों मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो पहले तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या, तो यहाँ पर एज एंट्री, तो दोस्तों एज एंट्री को आप लोगों को समझना होगा। आप लोगों के घर में 90 दिन से लेकर 50 साल के व्यक्ति ये मतलब ये पॉलिसी को करवा सकते हैं। मतलब समझिए दोस्तों बात को, 3 महीना से लेकर कोई भी बच्चा, मतलब आप लोगों के घर में अगर मान लो 3 महीना का कोई भी बच्चा है तो आप वो बच्चा का भी ये प्लान करवा सकते हो। और अगर मान लो कोई बड़े करवाना चाहते हो तो मैक्सिमम उन लोगों का ये प्लान में एंट्री एज 50 साल है। 50 साल के कम होगा तो उनका चलेगा, लेकिन 50 से 51 नहीं होना चाहिए एज। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पर, सॉरी मतलब मैच्योरिटी एज। तो दोस्तों मैच्योरिटी एज जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, 18 साल से लेकर दोस्तों 70 साल तक मैच्योरिटी एज है। मतलब 18 से 70 आप लोगों का मैच्योरिटी एज चलेगा, लेकिन उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहां पर देख सकते हो बेसिक सम ऑफ एसेट कितना है। तो दोस्तों मिनिमम 2 लाख रुपया है और मैक्सिमम 5 लाख रुपया। तो दोस्तों आगे चल के ये दोनों पॉइंट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देके समझाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो यहां पर देख सकते हो पेमेंट मोड, तो एक ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है। तो समझिए दोस्तों बात को, देखिए ये जैसे मान लो बेसिक सम ऑफ एसेट 2 लाख का, ठीक है। मान लो आप लोगों ये प्लान को 15 साल के लिए लेते हो, ठीक है। तो आप लोग 15 साल के लिए ये 2 लाख का प्लान ले रहे हो, तो 15 साल में आप लोगों को 2 लाख रुपया जमा करना है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लो 15 साल में 2 लाख रुपया आप लोगों को जमा करना है। अगर आप चाहो तो साल साल में पैसा जमा कर सकते हो, आप चाहो तो दोस्तों उसको हाफ ईयरली जमा कर सकते हो, मतलब महीना में 2 बार। आप चाहो तो क्वार्टरली में जमा कर सकते हो, साल में 4 क्वार्टर होता है, चारों में जमा कर दीजिए। उसके अलावा मंथली है दोस्तों, मंथली चाहते हो तो हर एक महीना कुछ आप लोगों का अमाउंट आएगा वो जमा कीजिए। सारा दोस्तों इसमें बेनिफिट मिला। उसके अलावा दोस्तों मैं अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों पॉलिसी टर्म, तो ये पॉलिसी टर्म दोस्तों 15 साल से लेकर 20 साल के लिए। देखिए LIC का दोस्तों ये जो प्लान रहता है, LIC का कोई भी प्लान, तो वो छोटे समय के लिए मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता, लॉन्ग पीरियड के लिए अधिकतर आप लोगों को LIC का ये प्लान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगले पेज पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जगह लिखा हुआ हाउ टू बाय दिस प्लान, मतलब ये प्लान को आप कैसे खरीद सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन ऑनलाइन मोड का है, एक ऑप्शन ऑफलाइन मोड का है। ऑनलाइन चाहते हो तो आप LIC के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके ये प्लान को ले सकते हो, या फिर ऑफलाइन चाहते हो तो आप किसी एजेंट के थ्रू या फिर ऑफिस में डायरेक्ट LIC का जाके ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो इस पेज पर जैसे कि दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड द पॉलिसी विथ एग्जाम्पल, मतलब दोस्तों मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मतलब जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बोला था। तो यहां पर फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर दोस्तों देखिए इस जगह पर लिखा हुआ एक मिस्टर एक्स नाम का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो उसका एज 25 साल हो रहा है। मिस्टर एक्स नाम का कोई भी एक व्यक्ति है, उसका एज 25 साल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो पॉलिसी है, सेकेंड पॉइंट पर समझिए, ये पॉलिसी का टर्म जो है 15 साल के लिए ये पॉलिसी में पैसा जमा करना चाहता है, ठीक है, 15 साल के लिए पॉलिसी को लेता है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर जैसे कि देख सकते हो टोटल यहां पर सम ऑफ एस्योर्ड इसका 5 लाख रुपया का, ठीक है, 5 लाख से अधिक ये प्लान में आप जमा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि टर्म ऑफ प्रीमियम पेइंग, तो ये दोस्तों जैसे कि 15 साल का प्लान है यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ, लेकिन इसमें पैसा आप लोगों को केवल 7 साल जमा करना, 15 साल तक पूरा नहीं करना, 7 साल तक ही जमा करना, ठीक है।
उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसे कि आपको अगले पेज पे लेके चलूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों प्रीमियम पेइंग इलस्ट्रेशन है। तो आइए दिखाता हूं मैं दोस्तों। तो इन लोगों को देखिए, फर्स्ट ईयर सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ पहला साल का ये जो प्रीमियम है, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो है, ये देख सकते हो बॉक्स में। जैसे कि 5 लाख का सम ऑफ एस्योर्ड था उसका, अगर वो चाहते हैं तो ईयरली जमा करेंगे तो उनका 44,416 रुपया आएगा। उसमें जीएसटी आप लोगों का एड होगा 4.5%। तो टोटल आप लोगों को साल में जमा करना पड़ेगा 46,415 रुपीज, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो यहां पर देखोगे तो एक हाफ ईयरली का ऑप्शन है। जैसे हाफ ईयरली का मतलब मैं दोस्तों पहले आप लोगों को एग्जांपल में समझाया हूं कि मतलब साल में दोबारा पैसा जमा कीजिए। अगर मान लो दोस्तों वो हाफ ईयरली करते हैं तो उनका प्रीमियम होगा 22,435 रुपया, उसमें एड किया जाएगा जीएसटी, तो टोटल 23,445 रुपीज होगा। उसी प्लान को अगर मान लो वो क्वार्टरली में जमा करेंगे, मतलब साल में 4 क्वार्टर होता है, तो उन लोगों का प्रीमियम बन रहा है कितना, 11,331 रुपया का। 510 रुपया क्या है तो जीएसटी जुड़ के 11,841 रुपया हो रहा। अगर मान लो वो मंथली जमा करना चाहते हैं तो मंथली में उसका 3,777 रुपया आ रहा, 170 रुपया आप लोगों का जीएसटी लग रहा, तो टोटल हो रहा 39,947 रुपीज, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो यहां पर जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें समझिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल्दो सेकेंड ईयर 25% जीएसटी चार्ज ऑन द प्रीमियम। देखिए दोस्तों पहला साल जो है जीएसटी आप लोगों का 4.5% लगेगा, कोई भी एलआईसी का प्लान लीजिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा साल जो ये जीएसटी है 2.25% आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही चार्ज होगा 7 साल तक। उसके अलावा दोस्तों मैं अगले पॉइंट पर आप लोगों को लेके चलूंगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो मैच्योरिटी बेनिफिट, तो सबसे मेन पॉइंट यही है दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि मैं छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर देखिए जैसे सम ऑफ एस्योर्ड 15 लाख का था, सॉरी सम ऑफ एस्योर्ड 5 लाख का, 15 साल के लिए जमा, मतलब 15 साल में मैच्योरिटी डेट पूरा होगा, 7 साल तक उसको पैसा जमा करना था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों टोटल यहां पर बात करेंगे हम लोग पे कितना किए, मतलब कोई भी जो ये मिक्सचर एक्स का एग्जांपल था वो 7 साल में पैसा कितना पे किया, तो 3,18,905 रुपया को पे किया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पर कितना पैसा मिलेगा, तो वो लोगों को मैच्योरिटी डेट पर 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। ये तो एक हो गया फायदा। उसके अलावा दोस्तों एक और फायदा है इसमें, देखिए उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जैसे कि यहां से एक पॉइंट समझिए, 25 से 40 साल तक लिखा हुआ है, जब मान लीजिए उसका 25 साल था तो वो प्लान को खरीदा था, तो 25 साल से लेकर 40 साल तक भगवान ना करे इस बीच में उसका डेट हो गया तो क्या फायदा मिलेगा मैं बताऊंगा। तो यहां पर दो कंडीशन है दोस्तों डेट होने का, एक है दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ नॉर्मल कवरेज और एक है एक्सीडेंटल कवरेज, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए नॉर्मल अगर होता है तो आप लोगों को 5 लाख रुपया मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल होता है तो 10 लाख रुपया मिलेगा। तो ये दोस्तों ये प्लान का फायदा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी छोटा सा भी आप लोगों को डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मैं आप लोगों से अगले